सीरियल एक्ट्रेस। मैंने अभी बहुत कम समय में यानी 2015 में बनी हुई फिल्म आ रही थी भोजपुरी मूवी, दोनों मतलब दोनों लाइनों में। तो मेरा शुरुआत हुआ था पवन जी से, धड़कन पिक्चर से, और पहली पिक्चर मेरी थी धड़कन, जो कि मैं देखने गई थी। सिर्फ कहते नहीं एक लक होता है जो होता है वो खींच ले जाता है, बस उसमें मेरी एंट्री हुई। उसके बाद बैक टू बैक मेरे पास फिल्में आने लगी। अभी मेरी प्रेजेंट में फिल्म रिलीज हुई है भाई भाई का प्यार, जो बहुत ही अच्छा मैसेज है। आजकल देखा जाए तो भाई भाई में प्यार ही नहीं रहा है। तो मैंने उसमें मतलब बड़ी बहू का किरदार निभाया है, जो एक बेटी है बहुत गरीब घर की है, जिसकी शादी होती है बहुत गरीब खानदान में, लेकिन खानदान बड़े में जाते हैं। तो एक विधायक होता है जो कि उसके ऊपर उसकी निगाह होती है बहुत ही जोरों शोरों से, कि इसको मैं मेरा नाम था सुमन। उस पिक्चर में जो मेरा कैरेक्टर था उसका सुमन नाम था। तो सुमन को पाने के लिए वो बहुत परेशान हो गया था, किसी भी हद तक गिर सकता था। तो फिर मेरे को ये करने के लिए कि मुझे किसी हद तक पाने के लिए परेशान होने के कारण वो उसको मतलब उसने मेरे को किडनैप कर लिया। तो उसका डायलॉग मैं बोलने चल रही हूँ, प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिए डायलॉग। मेरे को 4 किलोमीटर दौड़ाता है फिर भी मुझे नहीं पाता है, फिर उसके गुंडे ले जाके मुझे पटक देते हैं उसके पास। फिर मैं वो डायलॉग बोलती हूँ, हे विधायक हमारा कछुए के कोशिश नहीं के करा, नहीं तोरा आंख निकाल के ना हम गोटी खेल जाई। हमार नाम सुमन और सुमन और सुमन वो सुमन जोन अपने माई बाप के घर में एक रोशनी फैलाई, जोन अपने परिवार के घर में एक रोशनी फैलाई, तोरा हाथ में कबो ना आई। तो रात दिन हमार नाम के माला जपाना विधायक, फिर भी हमारा का नहीं खे पाए सब, चल निकल अब यहाँ से। तो ये डायलॉग मैंने बोला है, बहुत ही अच्छा गया। साथियों मेरे सास मेरे को सताना चालू कर देती है, तो मैं मर जाती हूँ। मरने की मतलब मरने का एक रोल होता है, मरती नहीं हूँ प्रोजेक्ट में, मैं जिंदा हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने घर आती हूँ तो अपने माँ से बोलती हूँ कि माँ हम ससुराल अब ना जाए। तो माँ मेरी परेशान होकर बोलती है, क्यों बेटा ससुराल क्यों नहीं जाओगे? तो मैं कहती हूँ, माँ जोने घर माँ अगर बहू का आदर ना हो, जोने घर में सम्मान ना हो, जोने घर में रात दिन मारते हैं पीटते हैं, उस घर में जाने का क्या मतलब है? माँ घर बोलती बेटी वही तुम्हारा घर है, अब तुम्हें वही रहना है। फिर मुझे समझा बुझा के भेजती, उसके बाद फिर मैं वापस मतलब वो लोग मुझे इतना परेशान करते हैं, फिर मैं वापस आती हूँ। आजकल मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा ये जो मैसेज है, ये पिक्चर मेरी आने वाली है, अभी अभी उसको मुझे डबिंग करने जाना है, बॉम्बे कल ही निकलना है। तो इस पिक्चर के माध्यम से ये मैसेज दिया गया है, या मैं अभी बोलने जो चल रही हूँ कि प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, बहू को न सताए, बहू बेटी है और एक कपड़े माँ बाप की इज्जत निभाते के साथ साथ सास ससुराल में इज्जत निभाती है अपने सास ससुर की। बहू बेटी ही नहीं, बहू एक दुर्गा है, काली है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, इस रूप से उनको माना जाए। यही मैंने इसमें न्यूज दिया है, मैं आज बोल रही हूँ कि बहुओं का प्लीज स्वागत करो, सम्मान करो, उनको कभी सताओ मत, कभी ताड़ना मत दो। थैंक यू।
यहाँ पर भीड़ देखकर जो फनकार आए हैं बड़े बड़े और उनमें बैठे हुए कुछ गेस्ट स्पेशल जिनके पीछे शायद फोटो भी लगी हुई होंगी। सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल एक बार दोबारा। आज जो ये गाना अभी गाने जा रहा हूँ, जिंदगी में दूसरी बार गाया, पहली बार भी यही गाया, दूसरी बार भी यहाँ गाया, तो आप लोगों को अगर उत्साह बनता हो तो बेझिझक जिस तरह से मैडम बोला कि तड़क भड़क वाला गाना दो तो शायद डांस कर लो, तो वो हो सकता है कि शायद उसमें से आप भी आगे आ सकते। सॉरी सर, कल हम कहाँ तो कहाँ, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तो कहाँ।
आज की रात है लगे कल हम कहाँ अरे आज की रात है लगे कल हम कहाँ धन्यवाद दे रहा हूँ दोनों अपनी मैडम्स का जो सारिका जी एंड देन सुधा जी दोनों डबल एस हैं और हमारे क्रिकेट फील्ड में डबल एस का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप गौर से क्रिकेट भी देखते हो कभी मैचेस में तो चाहे श्रीलंकन प्लेयर्स हों चाहे साउथ अफ्रीकन हो ऑस्ट्रेलियन हो ये सभी डबल एस के बैठ सकते हैं और डबल एस अपने आप एक ब्रांड है तो जो आपके साथ है। देखिए शुरुआत में मैंने कभी वैसे तो गाने कभी गाए नहीं और शायद ये मेरा पहला ही मौका हो सकता है। मैं अपने आप में बता देता हूँ ब्रीफ में बताया कि 30 सेकंड्स लेने आपने कि मैं क्रिकेट कोच हूँ पिछले 23 वर्षों से दिल्ली के अंदर और उससे पहले हम 15 साल फार्मासिस्ट भी रहे और अपनी मेडिकल स्टोर भी चलाए। स्ट्रगलिंग चलती रहती है लाइफ के अंदर पर एंजॉयमेंट सुरों के ज्ञान से मिलता है खेल से मिलता है खेल भी जोड़ता है और ये जो आपका मंच है ये भी जोड़ता है। इसकी पहचान खेल चाहे कोई खेल ना पाए पर मैंने देखा कि डिसेबल भी गाना गाते हैं तो वो गाना जो गाते हैं ना तो वो भी बांध देते हैं तो उनसे भी मिलने का बहुत मन करता है तो इसका मतलब सुरों का जो खेल है वो अपने आप में लाजवाब है। तो हम तो एक क्रिकेट बच्चों को खिलाते हैं गर्ल्स को खिलाते हैं मेरे साथी राकेश वाले मैंने उनको यहाँ बुलाया मैंने कहा ठीक है जी आप भी यहाँ सिंगा आज उनका सिंग सुना सा जब रोहन सर ने अभी मैं आपसे परिचित तो नहीं हूँ पर सर ने जो बताया कि हमें एक गायक मिल गया आपके मंच के अंदर तो शायद मैं भी पहली बार सुना उनका तो अच्छा लगा। तो मैं अगर आप एतराज ना हो तो गाना गा सकते हो वैसे मैं पहली बार ही गाऊँगा अगर आपको एतराज ना हो अगर कोई गलती हो जाए तो फिर भी माफ़ कर देना फिर भी वैसे तो आपका ये लगा वाली बता दीजिए और आपका हम बिल्कुल आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पहली बार में बहुत अच्छा गाएंगे क्योंकि राकेश जी ने भी झंडे गाड़े हैं मैंने आते ही उनका सॉन्ग सुना जैसे ये भी मुझे कह रहे थे कि मैंने कभी गाया नहीं है मैं फर्स्ट टाइम गाऊंगा तो मुझे नहीं लग रहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट है इन लोगों का तो बहुत बहुत स्वागत है हरी जी का। हरी जी मैं आपकी एक लाइन तोड़ दी है बीच में से जो उसके लिए माफी का हकदार हूँ सीधा ही गाने गाने आ गया मैडम तो इंट्रोडक्शन की बात की खाली और इससे हौसला शायद बढ़ सकता है हमारा भी ढूंढता पहले रफी साहब चल रहे थे अब सब किशोर दा आए भी आए हैं पहले रफी साहब के गाने चल रहे थे Thank you.
Yeah.
आप।